नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। मैं श्रेया सुगन। अभी हम पंचायत में घूम रहे हैं, यहाँ के प्रत्याशियों से भी अब बात कर रहे हैं। इसके पहले ग्राउंड रिपोर्टिंग हुआ, पंचायत का पूरा पंचनामा हुआ। इस दौरान कई तरह के प्रत्याशियों से मिले। हम अभी मौजूद हैं मुजफ्फरपुर के मीनापुर प्रखंड के राघोपुर पंचायत में, और अभी यहाँ पर हम बहुत ही इंटरेस्टिंग मुखिया प्रत्याशी हैं। मतलब उनके बारे में जानकर हमें आपको पूरी तरह से उनके बारे में बताने के लिए बहुत रुझान हुआ। अब यहाँ पर रिक्शा है और रिक्शे पे बंधा है ढोलक। यहाँ लिखा है ढोलक छाप, तो पूरा ढोलक ही आप लगा लिए हैं। हाँ, तो प्रत्याशी आप हैं और आप हैं निवेदक। जी, हम निवेदक हैं। ठीक है, तो हम पहले प्रत्याशी से बात कर लेते हैं। आशा देवी जी, क्या आशा किया जा रहा है आपसे यहाँ पर? आपसे तो हम पहले भी मिले थे नॉमिनेशन सेंटर पर। हाँ, तो अब ये बताइएगा, अब तो चुनाव प्रचार प्रसार शुरू हो गया, अब लोग आपसे क्या आशा लगाएं? क्या आप काम करने वाली है, ये सब भी बता दीजिए। जी, करने वाली है, मुखिया जीत जाएंगे तो करेंगे, काम करिएगा। अच्छा, अभी आप क्या करती हैं? अभी है दुकान है। कौन सी का? मिठाई का और चाय का। अच्छा, आप मिठाई चाय बेचती हैं? जी, हम मिठाई चाय बेचते हैं, मेरा पति रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, रिक्शा वाले की पत्नी और मिठाई और चाय का अपना दुकान? जी, अपना दुकान है। अभी तक तो आपका ये पहचान था, अभी आप मुखिया बन जाएगी तो मुखिया जी कहलाएंगे। जी, काम करेंगे, काम करिएगा। अच्छा, एक बात बताइएगा, अभी जब चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा है तो अभी आपका दुकान चल रहा है कि बंद कर दी? अभी चला रहा है ना, सासू माँ है। अच्छा, और आप भी जाती हैं कि आप अभी नहीं जा रही हैं? अभी जाते हैं, कभी कभी चल आते हैं, कभी कभी प्रचार प्रसार के। अभी प्रचार में है, घूमते हैं। हाँ, गाँव में घूमते हैं अभी। जी, तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे ये प्रचार प्रसार चल रहा है, उधर भी बहुत ज्यादा अलग अलग प्रत्याशी अपना लेकर प्रचार प्रसार के लिए निकलवाए हैं। अभी आपसे हम पूछेंगे, ये आप ही लेके घूम रहे हैं? नमस्कार जी, सभी भाई को नमस्ते जी। हम अपने रिक्शा लेकर गांव में घूमते हैं, वोट मांग रहे हैं जी। सभी लोग कह रहे हैं से ठीक है, अच्छे है, रिक्शा से घूम रहा है, हम लोग वोट देंगे, चुनाव जीतेंगे, हर काम हम करेंगे, जो भी लिस्ट में काम आएगा सारा काम हम करेंगे। अच्छा, आपको पता है ना कि कैसे काम होता है, सारा कुछ आपको पता है, मुखिया के काम क्या होता है? पता, सब पता है आपको। जो भी लिस्ट वोस्ट बनाइएगा आप, वो सब पे काम कर पाइएगा? जी, करवा लेंगे, करवा लेंगी। चलिए, बढ़िया है। अभी एक चीज आप भी बताइएगा, अथवा इधर आ जाइए, साथ में आप लोग से बात करते हैं कि आप लोग कह रहे साथ में हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जी जी, तो लोग अब आपके लिए क्या सोच रहे हैं? लोग कह रहे हैं वोट देंगे, तो अपना मेहनत करो, मेहनत के अनुसार से तुमको वोट हम देंगे या जिताएंगे। अभी आप खुद से लेके जा रहे हैं, दूसरे लोग रिक्शा ठेला करवाए हुए हैं, वो लोग पैसा खर्चा कर रहे हैं, आप अपने खुद से कर रहे हैं? हम खुद से कर रहे हैं। पता चल रहा होगा लोग का क्या हो रहा है भावना आप लोग से। हमसे बहुत खुशी है, खुश है, खुश है, कह रहे हैं ठीक है, तू अपने मेहनत करो, हम लोग वोट देंगे, तुमको जिताएंगे। जनता लोग है सपोर्ट, सपोर्ट में है जनता लोग, सब यहाँ भी बहुत लोग है मौजूद, ये सब आपके सपोर्ट है, सपोर्ट करते हैं आप इन लोग को? सपोर्ट करते हैं, करेंगे एकदम। चलिए, बढ़िया, आप भी सपोर्ट कर रही है क्या जी? करेंगे, करेंगे, सपोर्ट करते हैं। हाँ हाँ हाँ, बोलिए, या करेंगे, करते हैं सपोर्ट। अच्छा, अब आप लोग बताइएगा, ये जो ढोलक आप ऐसे ही बांध के रखते हैं? जी, ऐसे ही बांध के रखे हुए हैं, गांव में लोग के दिखलाते से हमको ढोलक छाप मिला है। हाँ। लोग से हमसे खूब खुश है जी। ये गाना वाना सब ये सब करवाने में आपको कितना खर्चा आया, ये बताइए? अभी तक हमको 20,000 रुपया खर्च हो चुका है। अच्छा, और खर्चा करने का प्लान है का? और मेरे पास पैसा नहीं है, जो है यही में खर्च करके हम इलेक्शन को जीतेंगे। मतलब बजट में एकदम जितना आप लोग को तय किया गया उतने में रखे हैं आप? चलिए, और उससे ज्यादा होगा नहीं, आप कह नहीं करेंगे? नहीं, ठीक है, हम ये कर रहे हैं सर। हाँ। चलिए, बढ़िया है, और कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? इतना हम इतना ही बात कहेंगे। मेरा मोबाइल नंबर है 6300-34-70-26, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, चलिए, बढ़िया है। वैसे कॉन्टेक्ट क्या आपको, तो आप आपके पंचायत के लोग जान रहे हैं, तो आप लोग अभी चुनाव प्रचार प्रसार जो कर रहे हैं, लोग काफी ज्यादा आपको जानने लगे हैं,
रिक्शा वाली की पत्नी के नाम से अभी आप फेमस नहीं, अभी आप बताएं कि मिठाई और चाय का दुकान आपका खुद का है? जी हमको है मिठाई का चाय का दुकान बहलर चौक पर है, अपना है, अभी दुकानें चलाती है, अभी चलाते हैं, हाँ दुकानें चलाती है। चलिए बढ़िया है, एक बार हम आपको पूरा दिखाना चाहेंगे कि ये पूरा सेटअप कैसे किया हुआ है। ये चीज हमें देखे कि इनके पहले ही मिले थे, तो अभी फिर हम इनको पहचान गए कि ये ही है वो सज्जन। अपने रिक्शे को सजाई हुई है, ये सारे सेटअप लगाए हुए हैं और इन सब में उनको 20,000 का खर्च आया। इसका छाप जो है ये छाप ही लगा लिए है कि लोग भूले ही नहीं कि ये ढोलक छाप है इनका पहचान, और जाएं और ढोलक छाप पे बटन दबाएंगे अगर इनका सपोर्ट करते हैं तो। चलिए भैया अभी हम लोग थोड़ा सा पीछे भी देख ले क्या क्या आप लगाए हुए हैं, ये क्या लिखवाए हुए स्लोगन इस पर है, कौन भला है कौन बुरा, सोचे समझे पहचान करें, लोगों की बातों को छोड़कर अपने दिल से मतदान करें। गजब, जब इतना अच्छा अच्छा आप लोग बात लिखे हैं तो काम भी अच्छा अच्छा होना चाहिए ना। अच्छा काम करेंगे, जो इसमें काम आएगा पूरे ही काम हम जनता के बीच देंगे, हर भाई को काम देंगे, करवाएंगे, करेंगे, मेहनत करेंगे और विकास करेंगे हम गाँव में। चलिए बढ़िया है, इतना अच्छे से आप लोग स्लोगन वगैरह लिख के एकदम रखे हुए हैं। चलिए अभी थोड़ा सा जगह दीजिएगा भैया हमको। तो ये है यहाँ पर रिक्शा वाले मुखिया का जो प्रचार प्रसार चल रहा है उसका पूरा बना बनाया, यहाँ पर वो अपना जो प्रचार प्रसार के लिए लेके घूम रहे हैं, प्रचार के लिए जो गाड़ियाँ घूमती हैं उसी तरह का ये भी है, बजट में चल रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि मुखिया ही करोड़ों के बजट अपना बना लिए हैं कि हम इतना बहा देंगे इस बार और मुखिया पद में जीतेंगे, लेकिन आप लोग हजार में ही अपना काम कर रहे हैं। जी हजारों में हम काम कर रहे हैं सर। चलिए बढ़िया है, ये सब चीजें हम आपको बता रहे हैं इसलिए क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के प्रत्याशी उतरे हैं, उनका क्या कहना है, क्या सोच कर उतरे हैं, कितने वो व्यय कर रहे हैं, इन सब चीजों को जानना जरूरी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है और किस तरह से यहाँ पर अलग अलग प्रत्याशी उतर रहे हैं, उनका क्या है मत। अभी यहाँ पे जब इतना विकास का सब लोग बात कर रहे हैं तो अब आप लोग थोड़ा विकास में हमको बताइएगा कि आप और क्या क्या सोचे हैं, आपके पंचायत में कमी क्या दिखता है? कमी बहुत ऐसे रोड ऐसे नहीं बना है, बहुत के लोग दूरा पर अभी नल जल नहीं लगा है, जो भी अधूरा काम है हम जीतेंगे तो उसको विकास करेंगे। अच्छा अभी पूरा काम अधूरा अधूरा है, अच्छा काम है। पांचवा काम गिनवा दीजिएगा, कौन कौन सा काम अधूरा है सर? अथी क्या कहता है, सड़क का बता दिए, और नल जल के काम हो गया, नरेगा के काम चलता है तो उसमें लोग बुलडोजर से काम चला लेते हैं, हम मजदूर भाई को लेकर काम करेंगे। अच्छा। अभी तक मेरे पास इतना ही अभी मतलब से जुड़ा हुआ चीज ये सब आप जानते, जो भी मेरा लिस्ट में काम आएगा हर काम हम करके दिखलाएंगे। चलिए बढ़िया है, चाची आप खड़ी हैं आशा देवी जी, तो आप भी मिल के काम करने वाली हैं, आप ही तो हैं प्रत्याशी, आप ही को लोग देंगे वोट? जी करेंगे, आप जी हाँ करवाएंगी काम, जीतेंगे तो इंदिरा आवास देंगे, और कल नाल है वो जल वो लगाएंगे, फिर मनरेगा का काम है वो करेंगे, जीतेंगे तो सब करेंगे, जितना काम होगा सब, जो भी लिस्ट में होगा पूरा काम ही करेंगे। अच्छा अभी तो आपका रिक्शा इसमें बंधा हुआ है, चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, तो रिक्शा चला कौन रहा है, अभी कमाई कैसे हो रहा है? कमाई अभी नहीं हो रहा है, तो मेरा बीबी ऐसे दुकान चलाती है, हम अभी प्रचार कर रहे हैं, फिर प्रचार से निकलेंगे तो दुकान चलाएंगे, अभी रिक्शा चलेगा जी। हाँ माने बेच लेते हैं, चलाते हैं गाँव में, फिर घूम जाते हैं, तो रहती है दुकान पर, मतलब पूरा परिवार सपोर्ट कर रहा है, पूरा परिवार से हम दुकान चलाते हैं, और चुनाव में भी पूरा परिवार लगा हुआ है कि माँ सपोर्ट कर रही है दुकान देखने में, फिर जा रही है चाची की प्रचार करें थोड़ा। चलिए बहुत बढ़िया है, यहाँ पे अलग अलग तरह से हम लोग हमको मिल रहे हैं लोग, और आप सबसे ज्यादा अलग है लोग, ये चीज तो है कि कमा भी रही है, चुनाव में भी उतरी है, घर में बैठ के खाली घूंघट ओढ़ के नहीं रहते हैं। चलिए बढ़िया है, यहाँ पे इनसे जुड़े हुए लोग भी यहाँ पे बहुत है, कैमरा अगर घुमाएंगे तो सब लोग कवर भी हो जाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत लोग हैं, और आप लोग एक बार बताइएगा आप लोग को कैसा लगता है ऐसे उम्मीदवार को देख के जो कि बजट में रह के खर्चा कम करे और लोगों का दुख तकलीफ समझ के करे। सही बात है, सही उम्मीदवार है, ये आपको
ठीक लगते है? दाही आया है यहाँ कोई 6000 हम लोग का मिलवे नहीं किया है, क्या हो गया? बताइए चाचा, अभी तो जो भी मुखिया हैं आप हटाइए चाहे रखिए, लेकिन अभी जो जो उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं गांव के ही हैं, पंचायत के आदमी कैसे हैं लोग, आदमी कैसे हैं? ये भी ठीक है, बात पे रहने वाले की बात से मुकर जाएंगे, काम करेगा, जीतेंगे तो काम करेंगे जी, मतलब अपने बात पर रहते हैं जी। चलिए बढ़िया है, और भी कुछ लोग बताइएगा चाची, आप बता रही थी कि अच्छे आदमी लोग। ठीक है अच्छा है। आशा देवी काम करेंगी? करेंगी, अब जीतला के बाद ना, जीतला के बाद करेगी, जीतेगी तब ना करेगी जी। तो आप ढोल पीट के पूरा पूरा पंचायत में ढोल पीटेंगे, ढोल पीट के विकास करेंगे हम राघोपुर पंचायत के, ढोल पीट पीट के विकास करेंगे जी। अभी तो चलिए एक बार ढोल पीट के दिखाइए दीजिए आप। सपोर्ट भी करते हैं? सपोर्ट करते हैं जी जी, मतलब युवा शक्ति लगी हुई है सपोर्ट में? जी, पूरा युवा शक्ति लगी हुई है, पूरा सपोर्ट करते हैं इनको। चलिए चाचा चाची तो बता दिए, बाप भी बता दिए, मतलब सारे वर्ग लगे हुए हैं कि हाँ चुनाव चल रहा है तो जागरूक है हम भी। जी जी, पूरा जागरूक है, इनको ही जिताना है इसकी बार। अच्छा, ये सोच लिए हैं? ये सब बताइए मत, दूसरा चढ़ जाएगा आपके ऊपर। कोई बात नहीं, चढ़ कर जाएगा कुछ। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा आप बताइए चाचा, ऐसे ऐसे उम्मीदवार को देखकर लगता है कि ये सही में काम करेंगे कि ऐसी बस? गरीब बढ़िया काम करेगा, इसके पास डर रहता है चोरी चोरी छिपी नहीं करेगा, बड़े लोग चोरी कर लेते हैं, डर नहीं रहता है, दबंगी करते हैं, ये छूते गरीब आदमी है, तब सबको देख के नजर में चलेगा। मतलब आपको लगता है कि गरीब लोग अगर आएंगे चुनाव जीतेंगे राजनीति में आ जाएंगे तो काम अच्छे से करेंगे? हाँ जीतेंगे। अच्छा इतने सारे उम्मीदवार हैं, लोगों को तो आप जानते भी होंगे, आपके पंचायत के हैं, अब आदमी कैसे कैसे खड़े हो रही है भी बता दीजिए, नाम लेके मत बताइएगा लेकिन। नाम तो नहीं बताया जाएगा, लेकिन ये गरीब आदमी है, इसको हर तबके लोग देख रहा है, ये जी हाँ, ये तो चोरी करने डरेगा, चोरी करने फिर ना, ये कोई दबंगी नहीं करेगा, ये अच्छे उम्मीदवार है, ये सही चुनाव करेंगे, चुनाव में अच्छे लोग ही चाहिए। चलिए बढ़िया है, तो आपके लिए तो काफी अच्छा बोल रहे हैं, अभी चाचा जा रहे थे तो उनसे भी हम पूछ लिए, तो मतलब आप पे उम्मीद है, लोगों को चाची से उम्मीद है, पूरे पंचायत के लोग के उम्मीद है हम पर, और वोट दे के हमको जिताएंगे। चलिए यहाँ पर हम जिस उम्मीदवार से आपको मिलवाने आए थे उनके बारे में बताएं, आशा देवी जी हैं, ये अपना चुनाव प्रचार प्रसार में बजट में रहकर, क्योंकि एक तय किया गया है 1000 से ऊपर नहीं जाना है, कुछ हजार फिक्स किया गया है, 20000 के तकरीबन इन्होंने बताया खर्च हुआ है, और ये सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली बात है। चलिए ऐसे ऐसे उम्मीदवारों से हम आपको हमेशा रूबरू कराते रहते हैं, उनके बारे में बताते रहते हैं, यहाँ पे उम्मीदवार से भी बात कर लिए, उनकी सपोर्ट करने वाले लोगों से भी, और जो लोग आसपास थे हम तो उन्हीं से बात की, अब सपोर्टर निकले तो हम क्या करें, लेकिन हाँ उम्मीद ऐसे उम्मीदवारों से लोगों को बंधी हुई है, और भी उम्मीदवारों से आपसे हम बात करवाएंगे, मतलब हम उनसे बात करेंगे, आपके सामने उनकी बातों को रखेंगे। चलिए अपने अपने क्षेत्रों में गौर से ध्यान से चुनाव कीजिएगा, अपने प्रत्याशियों का चुनाव आपके हाथ में है कि किसको अपना मुखिया सरपंच या जिला पार्षद या अन्य पदों पर चुनना है। चलिए अभी चलते हैं, और भी लोगों से मिलेंगे तो आपसे मिलवाते रहेंगे अभी। धन्यवाद।